हेलो, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि महत्वपूर्ण डे जो हमारे साल भर में बहुत सारे दिन हैं जिनमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डे मनाए जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसी श्रृंखला का हमारा ये वीडियो क्रमांक जो है वो 5 है। इसमें हम आपको मई माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रोज़ कोई ना कोई दिवस है, कई डे तो ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 दिवस तक हैं, लेकिन मैंने जो है अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण डे आपके लिए चुने हैं जो आपके एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मई माह के महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। और वीडियो क्रमांक हमारा ये आपका 5वां है, ठीक है। और अब हम चलते हैं, तो 1 मई को सबको मालूम है, 1 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो आपका 1989 से की गई, 1989 से की गई, और इसका उद्देश्य जो है वो दुनिया भर के मजदूरों को जो है वो उनके अधिकारों से महफूज ना होने पाए, वो उनके अधिकार मिले, तो अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना उद्देश्य है। चलिए अगला चलते हैं, अगला है हमारा 3 मई। 3 मई को जो है बहुत अच्छा डे है, ये एग्जाम में आता है आपका, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस एक बहुत बड़ी शब्दावली है, इसमें आपका ये सोशल मीडिया भी आपका आ जाता है। सोशल मीडिया हो गया आपका, पेपर हो गया, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान, ये भी जो है वो प्रेस के अंतर्गत शामिल किया सकता है। तो 3 मई को हम क्या मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये आपका 1993 से शुरू किया गया है, ये डेट याद रखिएगा, 1993 से ये शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की महासभा द्वारा। कब से शुरू किया गया है, 1993 शुरू किया गया है। फिर चलिए अगला चलते हैं, तो मई माह का जो है वो जो भी सेकेंड संडे को जो भी डेट पड़ती है उस दिन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, माह से महत्वपूर्ण, माह से मातृ दिवस। क्या मनाते हैं, मातृ दिवस। तो इसमें जो है वो माँ का महत्व प्रतिपादित किया जाता है कि माँ जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, माँ जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो माँ के महत्व को जो प्रतिपादित करने के लिए ये दिवस जो है वो मई माह के सेकंड संडे को मनाया जाता रहा है। फिर चलिए अगला चलते हैं, 8 मई। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस से आप परिचित होंगे, रेड क्रॉस जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसी भी पीड़ा के समय, अकाल हो गया, जैसे भूकंप हो गया, या कोई महामारी बीमारी हो गई, जैसे वर्तमान में आपका कोरोना फैला हुआ है, तो इसमें ऐसे कामों में जो है वो दुनिया भर में इसके कार्यकर्ता जो है वो सहायता करते हैं। तो 8 मई को जो है वो क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपकी हेनरी डूरेंट। तो इनको रेड क्रॉस का जो है वो जनक या पिता भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन जो है वो आपका 8 मई 1828 को जो है वो हेनरी ड्यूनेंट जो रेड क्रॉस के जनक हैं, रेड क्रॉस की स्थापना की, तो उन्हीं के जन्मदिन को जो है वो 8 मई को जो है वो रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। और रेड क्रॉस को जो है वो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका है 9 मई। 9 मई को मनाते हैं हम विजय दिवस, है ना। तो ये जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो रूस ने जो है वो जर्मनी पर विजय प्राप्त की थी, रूस ने जर्मनी पर जो है वो विजय प्राप्त की थी, तो इसी के उपलक्ष्य में जो है वो ये मनाया जाता है। और इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो तमाम सैनिक लोग शहीद हुए, जो जनहानि हुई, उनके प्रति जो है वो श्रद्धांजलि भी व्यक्त की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, 10 मई। तो 10 मई को आप मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो कि किसी अन्य देश से आते हैं और कुछ समय बाद जो है वो अपना वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे पक्षी आते रहे, और विश्व स्तर में भी
कई देशों के पक्षी दूसरे देशों में जाते हैं, तो उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती जाए, उनको जो है वो कोई नुकसान न पहुँच जाए, इस संबंध में जो है प्रेरणा जागृत करने के लिए जो है वो 10 मई को क्या मनाते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। फिर चलिए अगला डेट है आपकी 11 मई, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है आपकी। तो 11 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। तो वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है और इस क्षेत्र में हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक जो है लगातार काम कर रहे हैं। तो 11 मई डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने अपना जो है वो पोखरण में, ये पोखरण आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है, पोखरण में जो है वो क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। और उसी के उपलक्ष्य में जो है वो 11 मई को जो है वो जो भी प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक हैं उनको सम्मानित करने के लिए जो है वो ये आपका 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। फिर 12 मई भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 मई क्या है आपका, 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो दुनिया की पहली नर्स जो थी आपकी वो थी फ्लोरेंस नाइटेगल। कौन थी, फ्लोरेंस नाइटेगल। तो उन्हीं की उनके जन्मदिन को जो है वो आपका क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फिर चलिए 15 मई क्यों अपना मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई, लेकिन अब ये अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि लगभग सभी देशों में बड़े जोश खरोश से जो है वो परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसमें परिवार के प्रति एक दूसरे में जो समर्पण की भावना होती है उसको जागृत करने का प्रयास होता है। चलिए अगला चलते हैं 17 मई क्या अपनाते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। क्या, दूरसंचार एवं सूचना समाज, दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है और कब से शुरू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1973 से। चलिए कुछ और दिवस और बचे हैं, 2-3 दिवस हैं। तो 21 मई को हम क्या मनाते हैं, ये आपके MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है ये, तो आतंकवाद विरोधी दिवस। ऐसा क्यों मनाते हैं, 21 मई इसलिए मनाते हैं कि 21 मई 1991 में जो है वो एक तमिलनाडु में एक स्थान है पेरम्बदूर। कौन सा स्थान है, पेरम्बदूर। वहाँ पर जो है वो एक विस्फोट द्वारा जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे, उनकी जो है वो बड़े बेरहम ढंग से जो है उनकी हत्या हो गई थी, और वो भी एक जो है वो आतंकवाद के शिकार हुए थे। इसलिए आतंकवाद का के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि आतंकवाद का, चाहे किसी भी स्तर का आतंकवाद हो दुनिया स्तर पे, इसका जो है वो विरोध किया जाए, तो इसलिए जो है वो 21 मई को क्या मनाते हैं, आतंकवादी विरोधी दिवस। चलिए आगे चलते हैं, अगला डेट है आपकी 24 मई। तो 24 मई को मनाते हैं कॉमनवेल्थ डे या राष्ट्रमंडल दिवस। तो कॉमनवेल्थ डे या कॉमनवेल्थ एक संगठन है, इसमें वो सभी देश सम्मिलित होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो इनके बीच आपस में जो संबंध बने थे वो बने रहे और आपस में सहयोग और सौहार्द को बढ़ाने के लिए जो है वो ये आपका कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मई को, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है और इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। 24 अक्टूबर को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, तो उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत से छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं इससे। तो याद रखिए 24 मई कॉमनवेल्थ डे दिवस। कब से शुरू किया गया, तो ये 1902 से जो है वो शुरू किया गया, और ब्रिटेन की जो रानी थी उनका इस शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अगला चलते हैं 31 मई, ये आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है 31 मई। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें निकोटिन नाम का जो है वो एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर में नुकसान करता है, और तंबाकू से भी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो इसको व्यापक स्तर पर जो है इसका निषेध किया जाता है, निषेध के लिए अपील की जाती है। तो तंबाकू और जो तंबाकू से बनने वाले जो उत्पाद हैं उनके प्रति समाज में कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो
उसको उस उद्देश्य से जो है वो ये 31 मई को क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो हमारे मई माह के कंप्लीट हो गए, मई माह के हमारे जो महत्वपूर्ण दिवस जो है ये कंप्लीट हो गए। कुछ एग्जामों में आते हैं, कुछ रिवीजन करते हैं हम आपका। तो विशेष रूप से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्या मनाते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और मई माह के सेकेंड संडे को जो है वो माँ के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए क्या मनाते हैं, मातृ दिवस मनाते हैं। और 8 मई ये भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंट है, तो क्या मनाते हैं विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाते हैं। और ये आपका एग्जाम में आया है, बीएससी नर्सिंग में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो 12 मई को मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन, जो एक स्वयं एक पेशे से नर्स थी। फिर आपका ये 17 मई इसको याद रखिएगा, विश्व दूरसंचार एवं सूचना प्रसारण दिवस मनाते हैं। फिर आपका ये एग्जाम में बहुत सारा आया है, आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाते हैं, 21 मई को मनाते हैं। और ये भी आपका एग्जाम में खूब पूछा गया क्वेश्चन में, MP सिविल जज में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो 31 मई को मनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मई माह का जो 5वां वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। इस तरह से मेरे कुल 12 वीडियो होंगे, जिसमें मैं पूरे 12 महीनों के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। और जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं उन्हीं को छांटूंगा, क्योंकि बहुत सारे दुविधा में आ जाते हैं कि इतने सारे डे हैं, इसको हम जो है वो किस तरह से याद करें, बहुत से हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। यदि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन तक उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आल कंपटीशन में ये आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो मैं RK सक्सेना सर आपसे अगले वीडियो तक जो है वो विदाई लेता हूँ। नमस्कार।